दोस्तों ये साल यानी कि साल 2021 टीवी इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छा रहा है, क्योंकि इस साल टीवी इंडस्ट्री में कई नए शो देखने को मिले हैं, जिसमें कमाल की जोड़ियों ने भी अपनी दमदार अदायगी, एक्टिंग और खूबसूरती से लोगों के दिलों में अच्छी खासी जगह बना ली है, जिसकी वजह से ये टीवी इंडस्ट्री में छाए हुए हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि छोटे पर्दे पर बहुत सारी जोड़ियों के रूप में काम करने वाले वो कौन से कलाकारों की जोड़ियां हैं जिसे साल 2021 में सबसे ज़्यादा छोटे पर्दे पर पसंद किया गया है और इन्हीं जोड़ियों ने सबसे ज़्यादा लाइमलाइट लूटी है। तो इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको साल 2021 की उन खूबसूरत और प्यार भरी रोमांटिक जोड़ियों से रूबरू करवाने वाले हैं जो साल 2021 में लगातार दर्शकों के बीच में और उनके दिलों में छाई रही हैं। तो चलिए साल 2021 की इन्हीं जोड़ियों से रूबरू कराते हैं। नंबर 8, शाहिर शेख और अंकिता लोखंडे। वैसे तो आप इन दिनों खुद ही जी टीवी पर एक समय का सुपरहिट सीरियल पवित्र रिश्ता का सेकंड सीजन देख रहे होंगे, जिसमें हैंडसम अभिनेता शाहिर शेख और खूबसूरत अभिनेत्री अंकिता लोखंडे ने मानव अर्चना के किरदार में फिर से दर्शकों का दिल जीत लिया है और इसलिए इन दोनों की प्यार भरी जोड़ी को साल 2021 का रोमांटिक और नंबर 1 ऑन स्क्रीन कपल माना जा रहा है। नंबर 7, प्रियंका चौधरी और अंकित गुप्ता। जब से उदारिया सीरियल कलर्स पर प्रसारित हो रहा है तब से हर तरफ तेजो और फतेह की जोड़ी को ही दर्शक अच्छा पति पत्नी समझकर उनकी तारीफ कर रहे हैं। जी हां, तेजो के किरदार में प्रियंका चाह चौधरी और फतेह के किरदार में अंकित गुप्ता को लोग काफी तवज्जो दे रहे हैं। नंबर 6, शाहिर शेख और एरिका फर्नांडिस। वैसे शाहिर शेख और एरिका फर्नांडिस की जोड़ी तो हमेशा से ही दर्शकों को खूब पसंद आई है, लेकिन 2021 में इनका पुराना सीरियल कुछ रंग प्यार के ऐसे भी का तीसरा सीजन शुरू हुआ है, जिसमें ये फिर से सोनाक्षी और देव बनकर अपनी ऑन स्क्रीन कमाल की जोड़ी को दर्शकों के बीच में शेयर कर रहे हैं और इन्हीं की खूबसूरत जोड़ी ने फिर से सोनी टीवी के ऑडियंस को इस शो के जरिए बांध कर रखा हुआ है। नंबर 5, शरद मल्होत्रा और हेमल इंगले। जी हाँ, इस साल स्टार प्लस के विद्रोही शो की जोड़ी खूब छाने वाली है, जिसके रूप में आप एक्टर शरद मल्होत्रा और अभिनेत्री हेमल इंगले को साथ में युद्ध और लड़ाई झगड़ा करते हुए देखेंगे। इन दोनों की जुगलबंदी तलवारबाजी इतनी परफेक्ट होगी कि साल 2021 के एंड तक अपने आप को टीवी इंडस्ट्री में पूरी तरह से बेस्ट कपल के तौर पर फिट कर पाएंगे। नंबर 4, सुरभि दास और अक्षय केलकर। मुंबई के मुलगे अक्षय केलकर और आसाम की चहेती सुरभि दास की खूबसूरत बॉन्डिंग सीरियल नीमा डेंजोगपा में नीमा और सुरेश बनकर लोगों को खूब पसंद आ रही है, जहां पर इन्होंने छोटे पर्दे पर साथ में कदम रखते ही अपने आप को बिना किसी रीति रिवाज धर्म जात के बेस्ट कपल के तौर पर अपने आप को बनाए रखा है। नंबर 3, नकुल मेहता और दिशा परमार। दोस्तों अगर हम आपको ये बात कहे कि अभिनेता नकुल मेहता और दिशा परमार राम प्रिया की जोड़ी में छोटे पर्दे पर इसी साल नहीं बल्कि आने वाले कुछ सालों तक छाए रहेंगे तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि नकुल मेहता और दिशा परमार की ये प्यार भरी जोड़ी सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं 2 में जब से दर्शकों को दिख रही है, तभी से उनके चाहने वाले लोग इन्हें काफी ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं। नंबर 2, रोहित सुजंती और ऐश्वर्या। जी हाँ, साल 2021 में छोटे पर्दे पर राज करने वाली ये जोड़ियां भी कोई कम नहीं है, जिसे आप ऋषि ओबेरॉय और लक्ष्मी के नाम से जानते हैं। भाग्य लक्ष्मी के ये दोनों ही कलाकार पति पत्नी के जोड़ी में इतने खूबसूरत और प्यारे लगते हैं कि इन्हें साल 2021 में यंगस्टर्स का ही नहीं बल्कि बच्चों और बुजुर्गों का भी बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है। नंबर 1, गौरव खन्ना और रूपाली गांगुली। अभिनेता गौरव खन्ना और रूपाली गांगुली की भी पार्टनरशिप वाली जोड़ी अनुपमा सीरियल में बाकमाल लग रही है, जहां अनुज और अनुपमा बनकर काफी खूबसूरत पुरानी यादों को ताजा करने वाली इस जोड़ी के रूप में लोगों को गौरव और रूपाली बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं और इसलिए गौरव रूपाली साल 2021 में काफी अच्छा काम करते हुए लोगों के दिलों पर छाए हुए हैं। तो दोस्तों आपके हिसाब से इनमें से कौन सी जोड़ी ने साल 2021 में दर्शकों को बहुत एंटरटेन किया है? आप अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और भी तमाम वीडियो को देखने और जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।